के कारण था। कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता की मांग थी कि यहाँ पर कांग्रेस के माध्यम से जो आने वाली विधानसभा है वहाँ पर हमको आपसे कुछ कहना है, तो मुझे ऐसा लगा छोटी मोटी बैठक होगी जाएंगे, मगर यहाँ आके देखा तो बड़े तादाद में लोग थे और लोगों की मांग थी कि यहाँ की विधानसभा सीट जो बरसों से राष्ट्रवादी के पास है वो कांग्रेस के पास ली जाए। उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश की मैंने और एक मार्गदर्शन किया और उसी तरह से महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी AICC के पास हमारी मांग बिल्कुल मैं रखूंगा जोर से, क्योंकि वाकई चार विधानसभा थाना में है, एक ओवड़ा माझीवाड़ा, दूसरा खोपड़ी पास पगाड़ी, तीसरा थाना शहर और चौथा कड़वा मुमरा। और कड़वा मुमरा जो स्पेशली ये कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस का गढ़ रहा है और उस गढ़ को फिर ताबे में लेने के लिए मेरी भी ये कोशिश पूरे जोर से रहेगी। अभी आपने अपने भाषण में कहा कि जो कांग्रेस का है कपूर भाई का नाम का ऐलान किया जाएगा, अगर यूपी नहीं होती तो क्या वो उनका नाम का ऐलान किया जाएगा? मैंने आपको बताया 3-4 लोगों ने टिकट मांगी हुई है, आज की मीटिंग गफूर रुमानी जी ने बुलाई थी और उनका नाम का सिफारस मैं जरूर करूँगा। नहीं, तीन लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है, अब वो कई हमको बंधन है पार्टी के नाम, मैं जाहिर नहीं कर सकता हूँ कुछ कारण, मगर उनमें से आज इन्होंने मीटिंग रखी है, कल कलवा में भी मीटिंग है, उनमें से मैं इनकी सिफारिश करूँगा। आपको क्या लगता है कि मुमरा कलवा की जनता किस बेस पे कांग्रेस को वोट देगी? क्योंकि जनता के साथ धोखा हुआ है, जनता ने जो सोच रखी थी जिस तरीके से उनको यहाँ पर लीडरशिप चाहिए थी वो लीडर नहीं होते हुए व्यापार हो रहा है, यहाँ पर लोगों की तकलीफों में साथ नहीं दिया जा रहा है, तो रेंट प्रो का विषय है, स्मशान भूमि और कब्रिस्तान का विषय है, उसके बाद कई लोगों के घर टूटे हुए हैं, यहाँ पर कई बिल्डर लोग यहाँ पर आके बैठे हैं और उनके वजह से आजू बाजू के लोगों को परेशानी हो रही है, ऐसे कई मुद्दे हैं जिसके लिए आशा थी कि हमारा आवाज़ उठेगा, मगर उठाने। मुझे क्या लगता है कि कलवा मुमरा की जनता कितना कांग्रेस को समर्थन करेगी आने वाले चुनाव में? मैं सोचता हूँ कि मुमरा कौसा स्पेशली ये कांग्रेस के मानने वाले लोग हैं, कांग्रेस से प्यार करने वाले लोग हैं और इसीलिए यहाँ पर आज तक अलायंस का MLA बना रहा है, अब ओरिजिनल MLA दे देंगे। मीटिंग के मेन जो वजह थी जो आने वाला 149 कलवा मुमरा विधानसभा है उस बारे में हम लोग ने मीटिंग रखे थे और मैंने इच्छुक उम्मीदवार के तौर पे फॉर्म भरा हूँ मैंने, और मुझे उम्मीद है कि अगर अलायंस नहीं होता है तो टिकट मुझे ही मिलेगी। आप यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, कठोरा में बहुत सारे मुद्दे थे, कभी टोरेंट के अलावा कभी यहाँ पे आंदोलन रोड पे सड़क पे नहीं हुआ, क्या कारण? आंदोलन तो हम लोग सड़क पे दिखावे के लिए नहीं करते, हम लोग जो भी आवाम का जो काम है वो राइटिंग में हम लोग काम करते हैं और उसका हमको रिजल्ट भी अच्छा आता है, और हम दिखावे के लिए बिल्कुल आंदोलन नहीं करते, जहाँ करना है उधर हम लोग कर देते आंदोलन। इलेक्शन आ रहा है चुनाव, इन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ोगे? मुद्दे तो मुमरा कलवा में बहुत से मुद्दे हैं, जो भी अधूरे काम जो बचे हुए हम काम पूरे करेंगे इंशाल्लाह। अभी जो मुमरा कौसा में जो कांग्रेस संगठन मजबूत हुई है उसके लिए आप क्या कोशिश करेंगे? इस बारे में जो संगठन एक मजबूत नहीं हो पा रहा है, सब अलग अलग जगह पे है, हाँ, उसके लिए आप क्या करोगे? देखो, आप तो आज ने आपकी नमूना देख लिए, आज जो हमने जो मीटिंग ली उसमें आपने देख लिया कि कांग्रेस मजबूर नहीं है, मजबूत है, सिर्फ जोड़ने की हमको ज़रूरत है। शुरुआत बहुत सही है। अलावा कांग्रेस के आपने एक और नगर सेवक है जो हमेशा गायब रहते हैं, हर जगह उनका इलेक्शन में आते हैं, चुनाव जीतते और चले जाते हैं, आज तक अभी सड़क पर नजर नहीं आए, क्या कहेंगे उनके बारे में? उनके बारे में देखो, आना चाहिए था उनको, मैंने बुलाया था लेकिन है ना, बाहर है, आउट ऑफ उम्र है। आने वाला विधानसभा भी अक्टूबर के महीने में विधानसभा का चुनाव है और मुमरा कलवा से गफूर भाई ने जो है इच्छुक उम्मीदवारी का फॉर्म भरा है कांग्रेस पक्ष से, तो हम लोग सबकी दिली ख्वाहिश ये है कि इनको टिकट मिले पार्टी से, क्योंकि पिछले विधानसभा में भी हमने देख लिया कांग्रेस
का जो उम्मीदवार था किस हिसाब से लड़ा था। हम चाहेंगे कि अभी गफूर भाई को टिकट मिले और वो एकदम जोर से लड़े, और कांग्रेस के जो आज माशाल्लाह इधर काफ़ी कार्यकर्ता भी जमा हुए थे, उन्होंने एक हिसाब से ये कार्यकर्ता मेला और शक्ति प्रदर्शन था, उन्होंने अपनी शक्ति दिखा दी। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में भी मुझे लगता है कि एकदम जोर शोर से लड़ेंगे, और हम सबकी दिली इच्छा है कि टिकट मिलनी चाहिए। और मुमरा में कांग्रेस का कार्यकर्ता जो वो एनसीपी का काम कर करके थक गया, हमारा उम्मीदवार लड़े ताकि हम अपनी ताकत दिखाएं और उनको उनकी जगह दिखाएं और उनको वापस उनकी जगह जो थाना में है वहाँ पे भेज। इलेक्शन की जो स्ट्रेटजी होती है वो स्ट्रेटजी के हिसाब से हम हर एक बूथ के जो हमारे कार्यकर्ता है वो बूथ के कार्यकर्ता बन, हमारी जो लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, खाली हमको जाके उनको क्या बोलते हैं एकदम जगाना है। और हर बूथ पे कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूत है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा कि मतलब किस तरह से, कि स्ट्रेटजी बताई नहीं जाती है तो अपोजिशन को पता चल जाएगा। तो वो यही डिमांड करेंगे कि अलायंस ना हो, एनसीपी का काम कर करके इधर कांग्रेस का पंजा लोग भूल चुके हैं। कांग्रेस का पंजा जगाना है तो पहले तो इनके साथ में अलायंस तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 10 साल से ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बेइज्जत करने का काम किया इन्होंने। क्योंकि अलायंस होने के बाद भी इन्होंने कौन सी मीटिंग में और कौन से इनके कार्यक्रम में, जो मतलब आमदार चुन के आता है तो वो अलायंस के बेस पे चुन के आता है, तो उन्होंने कोई भी कार्यक्रम में जो आमदार नीति या आमदार के जो फंड से जो काम होता है वहाँ पर कभी भी जो है कांग्रेस के लोगों को उन्होंने दावत नहीं दिए। गफूर भाई खुद ब्लॉक अध्यक्ष है, खुद बोल सकते हैं कि कभी इनको उन्होंने बुलाया है क्या? हम भी यूथ में थे, हमको भी कभी उन्होंने कुछ बुलाया नहीं है, और कभी नहीं वो हमको हमेशा तो उन्होंने कांग्रेस को दबाने का काम किया है। अभी इंशाल्लाह टिकट मिलती है गफूर भाई को, क्योंकि गफूर भाई ही इन्होंने अकेले ने टिकट मांगा है यहाँ से, और हम चाहेंगे कि इनको मिले और उनको हम मुँह तोड़ जवाब देंगे जितेंद्र आव्हाड को।